हिंदी टैग गुरु के सभी पाठकों को नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना आज का वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी के भी नंबर का इस्तेमाल करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप मेरा नंबर इस्तेमाल करके किसी को कॉल करें तो वो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ, आप इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल में किसी बैंक के मैनेजर का नंबर सेव है और आपको उसी नंबर से कॉल आए और वो आपसे आपकी सब डिटेल मांगे, तो आप उस बैंक मैनेजर के नंबर से आई कॉल पर अपनी सभी डिटेल उसे दे सकते हो। तो आप ऐसी फर्जी कॉल से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये कॉल कोई बैंक मैनेजर कभी नहीं करता या बैंक की तरफ से कॉल कभी नहीं आती जिसमें आपको एटीएम के बारे में पूछा जाता है। ये कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो दूसरे का नंबर यूज करके आपको गुमराह करते हैं और आपसे पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि किस तरह लोग ऐसे गलत काम करते हैं, किस तरह और दूसरे के नंबर का यूज करके किसी को भी कॉल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ रेड बटन में क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो देता हूँ जो आप सभी काफी काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेरा आज का ये टॉपिक आप सभी के बहुत काम आएगा, क्योंकि मेरे आज के इस वीडियो से आप देखोगे कि हम किस तरह किसी के भी नंबर का यूज करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने भाई के नंबर का यूज करके आप दूसरे को कॉल कर सकते हो, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड तो आप उसका नंबर भी इस्तेमाल करके किसी को भी कॉल कर सकते हो। किसी के भी नंबर से कॉल करने के लिए आपको कुछ ऐसी सर्विस की जरूरत पड़ती है जो कि ऑनलाइन मौजूद है। मैं आपको उस सर्विस को दिखाने से पहले आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि किस तरह हम किसी के भी नंबर से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल पर लेकर जाता हूँ। मोबाइल पर लेकर जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी बताई हुई जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। ये वीडियो मैं केवल आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह लोग किसी के भी नंबर का इस्तेमाल करके कहीं भी कॉल कर लेते हैं और उनसे उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई ऑनलाइन होने वाले इस फ्रॉड को देख सके और समझ सके कि किस तरह उन्हें कोई भी किसी के भी नंबर से कॉल कर सकता है। तो चलिए अब मैं सीधा आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस एप्लीकेशन के द्वारा ये काम किया जाता है। उसके बाद हम दोबारा से अपनी स्क्रीन पर आएंगे। मैं इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे नंबर निकाल लेता हूँ जिनके द्वारा हम कॉल करके देखेंगे। यह वो नंबर है जो मैंने गूगल पर सर्च करके निकाले। मैं इन्हीं नंबर के द्वारा आपको कॉल करके दिखाऊंगा कि हम इन नंबर का इस्तेमाल करके किसी को भी कैसे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर की जगह आपके नंबर भी हो सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड के नंबर भी हो सकते हैं, या किसी बैंक वाले के नंबर भी हो सकते हैं। तो ये केवल एक डेमो है, ये नंबर मैंने गूगल पर सर्च करके निकाले हैं। तो मैं आपको इन्हीं चार नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब सीधा हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने मोबाइल ओपन हो चुका है। अब मैं इन नंबर की सेटिंग्स कर देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपको इन्हीं नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा। तो सेटिंग्स करने के लिए मैं अपनी वो सर्विस ओपन कर देता हूँ जिसके द्वारा मैं कॉल करूंगा। मैं अभी आपको फिलहाल उस सर्विस के बारे में नहीं बताऊंगा, पूरा प्रूफ दिखाने के बाद मैं आपको इस सर्विस को लाइव दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ। यह मैंने अपनी वो सेटिंग्स ओपन कर लिए जिसमें मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर को ऐड करूंगा और फिर इन्हीं नंबर के द्वारा मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगा। तो मैं फिलहाल पहले वाला नंबर ऐड कर रहा हूँ, 9104001004। इसके बाद मैं इस नंबर को सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये नंबर सेव हो चुका है। इसके बाद अब मैं वो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ जिसके द्वारा मैं कॉल करूँगा। मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब आप जिसे भी कॉल करना चाहते हैं आप कॉल करें, आपको वही नंबर शो करेगा जो आपने सेटिंग में जाके सेव किया था।
तो मैं फिलहाल एक नंबर पर कॉल करता हूँ। ये मैंने यहाँ कॉलिंग कर दिया है। अब आप देखिए, आपको जो ये यहाँ दूसरा मोबाइल दिख रहा है उस पर आपको इसी नंबर से कॉल दिखाई देगी। ये देखिए स्क्रीन पे वो नंबर आ चुका है जो मैंने सेटिंग में जाके सेव किया था, 9104001004। अब मैं इस नंबर को यहाँ से काटता हूँ और आपको इसमें सेकंड वाला नंबर ऐड करके दिखाता हूँ। ये फिर से मैंने अपनी वही सेटिंग्स ओपन की है। और यहाँ मैंने 5 लिख के इसे सेव कर दिया। नंबर आप स्क्रीन पे देख लीजिए, 9104001005, जो कि आपको यहाँ वर्डपैड की फाइल में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसी नंबर से आपको कॉल करके दिखाता हूँ, यानी मैं जिस मेंबर को कॉल करूँगा उसे यही वाला नंबर शो करेगा। तो मैं यहाँ नंबर डायल कर रहा हूँ और सीधा कॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए कॉलिंग यहाँ लग चुकी है। अभी आप देखिएगा जो दूसरा मोबाइल है उस पर आपको यही नंबर शो करेगा जो मैंने सेटिंग में जाके सेव किया था। ये देखिए इसने वही नंबर शो किया है जो मैंने सेटिंग में जाके सेव किया था। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। अब मैं आपको तीसरा नंबर इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप कितने भी नंबर ऐड कर सकते हो, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। ये मैंने तीसरे नंबर का नंबर इसमें ऐड कर दिया है, इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा से अपनी उसी एप्लीकेशन पे जाता हूँ और मैं यहाँ नंबर डायल करता हूँ। अब देखिए जिस नंबर पे मैंने ये नंबर मिलाया है उसको वही नंबर शो करेगा जो मैंने सेटिंग में जाके सेव किया था। दूसरी मोबाइल स्क्रीन पे आपको वो नंबर दिखाई दे जाएगा। ये देखिए कॉलिंग आ चुकी है, 9104001006, जो कि मैंने सेटिंग में सेव किया था। अब मैं इस नंबर को यहाँ से काट देता हूँ। अब हमारा लास्ट नंबर बचा है। अब हम इस लास्ट नंबर को भी ट्राई कर लेते हैं। मैं दोबारा से अपनी उसी एप्लीकेशन की सेटिंग्स में गया, उसके बाद मैंने एडिट किया और लास्ट में मैंने यहाँ 7 लिख दिया और इसको यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आके नंबर डायल करता हूँ और सीधा कॉल करता हूँ। अब आप देखिए जो आपको दूसरा मोबाइल दिख रहा है उस पर वही नंबर शो करेगा जो मैंने सेव किया है, लास्ट में 7 है। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने सेटिंग में सेव किया था उसमें लास्ट में 7 आएगा। ये देखिए कॉलिंग आ चुकी है, 9104001007। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये चारों नंबर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से एक और नंबर ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से सारे नंबर यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 9210500, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं कॉल करके देखता हूँ कि क्या पाकिस्तान के इस नंबर से कॉलिंग लगती है या नहीं लगती है। तो चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने उस मेंबर को फ़ोन लगाया जिसको वही नंबर शो करेगा जो मैंने सेटिंग में सेव किया था, 9210500। मैं अब सीधा कॉल करता हूँ, अब देखिए क्या होता है। अब आपको स्क्रीन पे वही नंबर दिखाई देगा जिस नंबर से मैंने कॉल करी है। ये देखिए +92 और 10 बारी 0, यानी मैं इंडिया में रहकर पाकिस्तान का नंबर यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? फिलहाल मैं इस नंबर को यहाँ से काट देता हूँ। ये केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लोग गलत नंबर का यूज करके किसी को भी कॉल करते हैं, किसी को भी इसी तरह ठगते हैं। ये सब एक ऐसी सर्विस के द्वारा होता है जो कि एक पेड सर्विस है। अब मैं आपको अपनी
स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको वो वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके द्वारा ऐसा काम किया जाता है। तो चलिए सीधा हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आपने देखा मैंने किस तरह अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको इन्हीं नंबर के द्वारा कॉल करके दिखाया है, यानी जो नंबर मैंने सेव किए थे वही नंबर उस बंदे को शो कर रहे थे जिसे मैंने कॉल किया है। और साथ ही मैंने आपको एक अदर कंट्री का भी नंबर इस्तेमाल करके दिखाया है। तो इस तरह कोई भी आपको कहीं से भी कॉल कर सकता है, तो आप बहुत ही सावधान रहें क्योंकि इंटरनेट पर हर चीज पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो तो आप सेफ नहीं हो, सेफ्टी आप ही के हाथ में है। आप अपनी जानकारी कभी किसी को ना दें, चाहे वो फ़ोन कहीं किसी बैंक से आया हो, कहीं से भी आया हो। अगर आपके पास में फ़ोन आता है तो आप उस नंबर को काट के उस बंदे को दोबारा कॉल करें। अगर आप ऐसा करते हो तो दोबारा कॉल करने पर आप उसी मेंबर से बात करोगे जिस मेंबर का वो नंबर होगा। तो मेरा मकसद बस आपको यही बताना है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि कुछ खुराफाती लोग हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। इंडिया में बैठकर या कहीं भी बैठकर किसी भी नंबर का यूज करके वो किसी को भी कॉल करके उनकी पर्सनल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जो इस तरह की सर्विस देती है। मैं आपको उस वेबसाइट का नाम नहीं बताऊँगा, उस वेबसाइट का लिंक आपको जस्ट वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके उस वेबसाइट पर आ सकते हैं। चलिए अब हम उस वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये वो वेबसाइट है जो इस तरह की सर्विस देती है। ये सर्विस बिल्कुल फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कम से कम $2 का इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी के बाद में आपका इसमें अकाउंट बनेगा जिसकी वैलिडिटी रहेगी 180 डे, यानी जो आपके $2 होंगे वो 180 डे तक वैलिड रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा। इस वेबसाइट का एड्रेस मैंने हाइड कर रखा है ताकि जो मैंने लिंक दिया है आप उसी पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अमाउंट लिखा है, अमाउंट यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट डॉलर में है तो कम से कम आपको $2 इसमें पे करने पड़ेंगे। आप यहाँ से डॉलर सेलेक्ट करें, इसके बाद में आपको यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना है, आपको अपना यहाँ सिटी का नाम लिखना है, आप किस कंट्री से हो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे जिप कोड लिखिए, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिखिए और फ़ोन नंबर लिखिए। ये सब डिटेल भरने के बाद नीचे आता है पेमेंट की डिटेल। पेमेंट की डिटेल के लिए आपको यहाँ अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास ICICI या HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उसी के द्वारा से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट है। जो हमारा SBI या PNB जैसे बैंक होते हैं ये इंटरनेशनल पेमेंट को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपके पास में ICICI या HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसके द्वारा आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने कार्ड की सब डिटेल भरनी है, एक्सपायर डेट वगैरह, कार्ड होल्डर नेम भरना है, उसके बाद में नीचे आपको यूजर नेम भरना पड़ेगा, यानी इस यूजर नेम के थ्रू आप इस पर लॉग इन करोगे। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड भरना है, इसके बाद आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप सीधा यहाँ साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। साइन अप पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट इसमें आपका अकाउंट तभी क्रिएट होगा जब आप $2 की पेमेंट करेंगे। जब आपका अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाएगा तो उसमें आपको फिर एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। और जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स के लिए मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ कि हम किस सेटिंग्स में जाकर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ साइन इन करके अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है जिसमें ये मेरी सब डिटेल दिखा रहा है। इसको मैंने हिडन कर दिया है ताकि कोई इसका गलत यूज ना करे, क्योंकि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग तो खुराफाती होंगे जो मेरे साथ भी गलत करेंगे। खैर मैं उनको नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी सेफ्टी करके तो मैं चल ही सकता हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर आपको सेटिंग्स का बटन दिखाई देगा, आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें। ये सेटिंग का बटन आपको तभी दिखाई देगा जब आपका इस पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाए तो आपको सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करने के बाद कॉलर आईडी करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे देखिए यहाँ नंबर मैंने
वही ऐड कर रखा है जो मैंने लास्ट में आपको कोड करके दिखाया था। अब मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ। एडिट करके आप यहाँ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, चाहे वो आपके किसी फ्रेंड का हो, चाहे आपके सिस्टर का हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का हो, चाहे आपकी बॉयफ्रेंड का हो, किसी का भी नंबर आप यहाँ ऐड कर सकते हो। नंबर ऐड करने के लिए आपको बस यहाँ 91 लिखना है, और वो नंबर लिखना है जिस नंबर को आप दूसरे को शो करना चाहते हो। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ अपना ही नंबर देता हूँ। अब जैसे मैंने ये नंबर लिखकर इसको सेव कर दिया, तो मैं जिसे भी कॉल करूंगा उसको यही नंबर शो करेगा। इस नंबर को आप एडिट करके कोई भी फिर नंबर ऐड कर सकते हो। मैं दोबारा से इसको एडिट करता हूँ और यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ। ये देखिए, अब मैं जिसे भी कॉल करूंगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उसको यही नंबर शो करेगा। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप कुछ थोड़ी सी अमाउंट पे करके किसी को भी किसी के भी नंबर से कॉल कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाया है कि किस तरह लोग ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करके किसी को भी कॉल करके उनसे उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप ऐसी फर्जी कॉल से बिल्कुल सावधान रहें और किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल ना दें। उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और आप उन्हें बताएं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करके आपको गुमराह कर सकते हैं और आपसे आपकी पर्सनल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके आप करिए, क्योंकि इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों को पता चलेगा कि इंटरनेट पर ऐसी साइटें ही मौजूद हैं जिसके द्वारा हम किसी को भी किसी के भी नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।